बात करेंगे आज शिवरात्रि की। आज देवों के देव महादेव और माता पार्वती के मिलन का दिन शिवरात्रि है। आज शिव भक्त भोलेनाथ का जलार्पण कर रहे हैं और राजधानी रांची से इसे लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। रांची के चुटिया स्थित सुरेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मौके पर जायजा लिया हमारे विशेष संवाददाता सौरभ रॉय ने, देखे इस रिपोर्ट के जरिए। भोलेनाथ दूल्हा बनकर तैयार है, शाम को शिव बारात निकलेगी। इस वक्त हम आपको सीधे तस्वीरें चुटिया स्थित सुरेश्वर महादेव मंदिर से दिखा रहे हैं। किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राजधानी रांची के विभिन्न हिस्सों से भोलेनाथ के भक्त पहुंचे हैं अपने बाबा को जल अर्पित करने। आज का दिन बेहद ही खास रहता है हर हिंदू धर्म मानने वालों के लिए। सुरेश्वर मंदिर का नज़ारा आपको लगातार दिखा रहे हैं, हमारे साथ समिति के लोग हैं, हम इनसे भी जुड़ेंगे। सुरेश्वर मंदिर में देखा जा रहा है पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत भीड़ हो रही है, क्या कुछ तैयारी है आज को लेकर? देखिए, हम लोग मंदिर समिति के सभी सदस्यगण पूरी तरह से तत्पर हैं और आप जो देख रहे हैं ये भीड़, ये प्रातः 4 बजे से ही ये निरंतर जारी है। ये बाबा का कृपा है, हम और आप क्या है, ये बाबा का कृपा है। बाबा अपने भक्तों को खुद ब खुद बुला रहे हैं और उस भक्त अपने आप यहाँ पे चले आ रहे हैं। आपने निश्चित रूप से कहा कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भीड़ कुछ ज़्यादा इस मंदिर में देखी जा रही है। हम कहें कि ये 2 वर्ष है हमारा महाशिवरात्रि का, पिछले वर्ष हमने शुरुआत किया था और इस बार हमारा 2रा शिवरात्रि है। आप बोले देश अन्य विभिन्न विभिन्न जगहों से यहाँ पर आए हैं, विभिन्न विभिन्न राज्यों से लोग पूजा करने के लिए आ रहे हैं। ये सुरेश्वर महादेव मंदिर के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये निरंतर आज डे बाय डे इसका प्रचार बढ़ रहा है और लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आप सभी के मीडिया कर्मी भी धन्यवाद के पात्र हैं जो निरंतर इस चीज़ को दिखाते हैं, जो पब्लिक के बीच में जाती है, जो भक्त आज देख रहे हैं। ये आप सबों का भी सहयोग इसमें हमने निश्चित रूप से मिलता रहता है। हमने सुना किस प्रकार से सुरेश्वर मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। विक्रम साहू हैं, युवा अध्यक्ष हैं, इनसे भी जुड़ेंगे। लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लोगों की के जो विश्वास है वो अनूठा है सुरेश्वर मंदिर को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो सुरेश्वर महादेव मंदिर भारत का 2रा सबसे बड़ा शिवलिंग है, जो कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ हजारों हजार की संख्या में भक्त यहाँ पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। और जो कि है आज शिवरात्रि में हम लोग का जो है भव्य जीवित झांकी जो है आज संध्या 5 बजे निकलेगा, जो कि सुरेश्वर महादेव मंदिर होते हुए प्राचीन श्री राम मंदिर तक जाएगी, जिसमें हजारों हजार की आज संख्या में भीड़ रहेगा। और श्रद्धालुओं को देख रहे हैं कि आज यहाँ अपने जितने भी सदस्य हैं, मैं उन सबको भी धन्यवाद देता हूँ, जो कि सभी सदस्य कोई किसी भी भक्त को परेशानी ना हो इसके लिए तत्पर है। और जो है कि मंदिर प्रांगण में किसी भी तरह का असुविधा नहीं हो इसके लिए सदस्य सभी तत्पर है। तो सदस्य तत्पर हैं ताकि किसी प्रकार की घटना ना घटे, इसके लिए भी लोग मौजूद हैं। प्रशासन के साथ साथ वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं, कुछ और सदस्य भी जुड़ रहे हैं। इस बार क्या संदेश रहेगी भक्तों के लिए, क्या संदेश रहेगा भोले बाबा का? संदेश यही रहेगा कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जिस तरह से भक्तों की भीड़ हो रही है, मैं चाहूँगा कि और भक्तों की भीड़ हो और पूजा अर्चना अच्छे से हो और किसी को कष्ट और किसी को परेशानी ना हो। तो भोलेनाथ के भक्तों की भीड़ लगातार सुरेश्वर मंदिर में देखी जा रही है। लोग अपने अपने मनोकामना लेकर भोले बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हम आपको नज़ारा दिखाना चाहते हैं किस प्रकार से भोलेनाथ के भक्त भारी तादाद में मौजूद हैं एवं अपने बाबा को जल चढ़ाने के लिए आए गए हैं। अब लगातार विजुअल के माध्यम से देख सकते होंगे कि पूरी तैयारी की जा रही है यहाँ पे, ताकि भीड़ को मैनेज किया जा सके। लगातार लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ रही है और आज संध्या को भोलेनाथ की भव्य बारात भी निकाली जाएगी, शिव बारात जिसे हम कहते हैं। और ये परंपरा रही है कि हर शिवरात्रि के दिन शिव बारात निकाली जाती है सुरेश्वर महादेव मंदिर से, और ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं सुरेश्वर महादेव मंदिर का। ये अपने आप में विशालतम है, अब देख सकते हैं कितना बड़ा शिवलिंग है यहाँ मौजूद, और ये लोगों को बेहद ही खूबसूरत लगती है। लोग आकर्षित होते हैं और यहाँ पे अपने बाबा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय से विराज के साथ।